नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। यूपी में बीजेपी आज से शुरू कर रही है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। आपको बता दें कि आज 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन है और वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में शामिल होंगे। तो आज 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन रखा गया है और वाराणसी में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में शामिल होंगे। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह, लखनऊ में सुनील बंसल, प्रयागराज में राधा मोहन सिंह, प्रदेश भर में 6 से 20 सितंबर के बीच ये कार्यक्रम चलने वाला है। सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। रामानुज हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर लाइव। रामानुज, प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन रखा गया है और बड़े स्तर पर तमाम विधानसभाओं में इसकी तैयारी की गई है। तो आज से ये जो शुरू हो रहा है कार्यक्रम, ये जो सम्मेलन है, इसकी किस तरीके की तैयारियां, आप खुद फील्ड पर हैं, किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए मोनिका, अगर बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है, आज से लेकर यानी कि 5 से लेकर 30 सितंबर तक ये प्रबुद्ध सम्मेलन चलेगा और इसमें सभी विधानसभा सीटों यानी कि 403 विधानसभा सीटों पर ये सम्मेलन किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बीजेपी अब कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग को साधने के लिए ये सम्मेलन कर रही है। जिस तरीके से पिछली बार बसपा और सपा की बात की जाए, दोनों ने अपने अपने हिसाब से प्रबुद्ध सम्मेलन किया, लेकिन इस बार बीजेपी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन है वो दोनों राजनीतिक दलों से अन्य तरीके का प्रबुद्ध सम्मेलन है। इसमें सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग को, जो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको इसमें समाहित किया गया है, ना कि किसी जाति विशेष वर्ग को। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर सभी तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं बीजेपी की तरफ से। और आज जो 17 महानगरों की अगर बात की जाए तो यहां पर आज पहला चरण होगा प्रबुद्ध सम्मेलन का और ऐसे ही पूरे प्रदेश के अंदर सभी नेताओं को लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जो नेता हैं बीजेपी के और सभी मंत्रियों को लगाया जाएगा ताकि वो जाएं प्रबुद्ध वर्ग से बातचीत करें, उनसे उनकी भी सलाह लें, उनसे भी जानकारी लें कि आखिर क्या कुछ और किया जा सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जाहिर सी बात है प्रबुद्ध वर्ग को सम्मानित करने के साथ साथ आज शिक्षक दिवस है, आज शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग को अपनी ओर लाने की एक कवायद है बीजेपी की। जी बिल्कुल रामानुज, और खास बात ये भी है कि यहाँ पर जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो भी फील्ड पर नजर आएंगे, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, डिप्टी सीएम हो और या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हो, वो खुद वाराणसी में शामिल होंगे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में। तो ये खास बात है क्योंकि जब बड़ा चेहरा जमीन पर उतरता है, फील्ड पर उतरता है, तो उसका भी खासा असर देखा जाता है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के सभी जो मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के संगठन से जुड़े जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, वो सभी जमीन स्तर पर उतरेंगे और 403 विधानसभा सीटों को छूना, 403 विधानसभा सीटों के प्रबुद्ध वर्ग से बातचीत करना एक आसान बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से रोड मैप तैयार कर रखा है। और आज की अगर बात की, आज की शुरुआत है तो वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहीं राधा मोहन सिंह प्रयागराज पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचेंगे, स्वतंत्र देव सिंह जो है वो अयोध्या पहुंचेंगे, सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री वो लखनऊ में रहेंगे। तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को, हर जो पदाधिकारी है, हर मंत्री को कहीं ना कहीं कार्यभार दे रखा है कि किनको कहां जाना है और इसका एक पूरा बृहद रोड मैप तैयार करके भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के अंदर प्रबुद्ध वर्ग से सीधे संवाद किया जा सके और जाना जा सके कि आखिर नीचे की सिचुएशन क्या है। जी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।